हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो कल जो है वो डॉन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई कि जो टेक जायंट है मार्क ज़करबर्ग, वो एक न्यू कॉन्सेप्ट दुनिया को देने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मेटावर्स। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कुछ मेरे जहन में जो है वो ख्यालात आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। दुनिया में अब तक जो है ना वो चार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस फेज जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के आ चुके हैं, चार फेजेस। पहला फेज़ में जब मैनुअल वर्क से मशीन की तरफ प्रोडक्शन हुई 1789, वो फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है उसे। सेकंड फेज़ जो है वो उस वक्त उस एरा को कहा जाता है जब मास प्रोडक्शन हुई और एनर्जी की डिस्कवरी, जिस तरीके से ऑयल डिस्कवर हुआ तो प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुई। मशीनरी जो है उसे एनर्जी मिली और फिर उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आई। ये वो एरा है जब ऑयल की डिस्कवरी हुई मिडिल ईस्ट में, तो उसकी वजह से मास प्रोडक्शन हुई। ये सेकंड फेज़ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। थर्ड फेज़ जो है वो आया तकरीबन 80s और 90s में, जब दुनिया जो है वो ऑटोमेशन की तरफ गई और कंप्यूटर जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, वो इंट्रोड्यूस हुई दुनिया में और पूरी दुनिया जो है वो ऑटोमेशन की तरफ गई। तो वो थर्ड फेज़ था। उसके बाद आज जिस एरा में हम रह रहे हैं ये कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा। और इस एरा में जो चीज़ ईंधन का काम करती है वो है आपका डेटा। तो आज जिस एरा में हम रह रहे हैं इसमें सिर्फ वही नेशंस, वही कौमें तरक्की कर पाएंगी जो कि जिन्होंने अपने पास्ट में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में जो है इन्वेस्ट किया था। अब वो कौमें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में सर्वाइव, न सिर्फ सर्वाइव कर रही बल्कि प्रोग्रेस कर रही हैं। और वो कंट्रीज़ जिन्होंने इन एरियाज़ में इन्वेस्ट नहीं किया वो सिवाय कंज्यूमर्स के और कुछ नहीं रह जाएगा, जिस तरह के पाकिस्तान में। क्योंकि कुछ अरसे पहले ही एक रिपोर्ट शाया हुई, मुझे वो इदारा याद नहीं है जिसने ये रिपोर्ट शाया की थी, उसमें ये बताया गया था कि कौन सी कंट्रीज़ रैंकिंग की गई थी कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इनोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें आगे हैं। तो टॉप 10 जो है वही डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपने एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट की थी। और वो कंट्रीज़ बहुत ही पीछे थी जिन्होंने इन एरियाज़ में खर्च नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। पाकिस्तान का रैंक उसमें 99 था और इंडिया का रैंक 45 था और चाइना शायद आई थिंक 10वें नंबर पे था। और इसी तरीके से अमेरिका और यूके, ब्रिटेन, ये तमाम जो है वो टॉप 10 में आती थी। तो कल जो एक रिपोर्ट आई उसमें मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा कि हम बेसिकली, वो मार्क ज़करबर्ग यूरोपियन यूनियन से हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को हायर करना चाह रहे हैं तकरीबन 10,000 या 1,00,000। तो और बुनियादी पर्पज़ उनका ये था और ये है कि वो मेटावर्स पर काम करना चाह रहे हैं। अब ये मेटावर्स जो है ये इट्सेल्फ इतना फैसिनेटिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे शायद ही किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मेटावर्स क्या है। अब हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें नहीं पता, तो ये तो उससे भी बियॉन्ड चीज़ है। तो बेसिकली मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी है, जिस तरह हम वीआर पहन के और गेम्स खेलते हैं, इसी तरीके से मेटावर्स में एक बेसिकली वर्चुअल रियलिटी की दुनिया होगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठकर आप तमाम काम कर सकते हैं अपने कुलीग्स के साथ, एक 3D वर्ल्ड में अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ तमाम वो काम कर सकते हैं जो कि आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड और जो फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड और एक डिजिटल वर्ल्ड के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को नैरो कर दिया जाएगा मेटावर्स के ज़रिए। मेटावर्स के आने के बाद या इस पर जो काम हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम दुनिया से कितने पीछे हैं। जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए थीं। क्योंकि आने वाले दौर में, जो हार्डली 10 साल के बाद शायद दुनिया एक और रेवोल्यूशन का नज़ारा करेगी और एक नई डायमेंशंस जो है ना वो खुलेंगी, उसमें
हम सिर्फ ज़बान निकाल के सिर्फ वो उन टेक्नोलॉजीज़ को सिर्फ देख सकेंगे, बहुत हो गया तो थोड़ा बहुत कंज्यूम भी कर लेंगे, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी की वजह से उन कंट्रीज़ जिन्होंने जो अब इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रही है उनके हाथों में सिवाय हम खिलौने के और कुछ भी नहीं रहेंगे। तो सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें और हम आज से ही अपनी एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक चीज़ें हैं उन पर इन्वेस्ट करें और जो एक नॉलेज इकोनमी है उसकी तरफ फोकस करें। हम अब देख अगर आज हमने नहीं किया तो आने वाले एरा में हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।